नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ उसका नाम है बॉल मचेर झाल। इस फिश को बंगाली में बॉल फिश कहा जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बॉल मचेर झाल बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है और दो सूखी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर जीरा ऐड किया है। करने के बाद इसे हल्का सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा अच्छा से खुशबू आने लगे, ये अच्छे तरीके से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें चॉप्ड किया हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन की मात्रा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है इस रेसिपी में, तो हम इसमें ऑनियन खूब सारा ऐड कर देंगे। करके हम ऑनियन को अच्छे तरीके से, जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाए तब तक हमें इसे भूनते रहना होगा। ये जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ऐड होता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। प्याज को अब हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर प्याज कलर जो है वो थोड़ा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा लहसुन इसमें नहीं देना है, 1 टीस्पून में लहसुन दूंगी, वो भी कूटा हुआ, पेस्ट नहीं किया हुआ, कूटा हुआ हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन ऐड कर देंगे। करके हमें फिर से इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना होगा। अब हम और थोड़े से 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। इसे हाई फ्लेम में मत कीजिएगा नहीं तो ये जल जाएगा। इसे मीडियम फ्लेम में हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। अब ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड करूंगी और बिल्कुल थोड़ा सा, बस कुछ दाने चीनी का यहाँ पर मैं ऐड करूंगी। चीनी से रंग बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करूँगी तीखापन के लिए। यहाँ पर क्योंकि मैं हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए लाल मिर्च जो है वो मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और नमक हम यहाँ पर स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। करके अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे करते समय गैस को एकदम लो फ्लेम में रखिएगा, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करके फिर उसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी दूंगी, जिससे कि मसाले जले ना और इसे मैं अच्छे तरीके से और भून सकूं। देखिए ये भून चुका है मसाला। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम के लिए रुक जाए और मसाले को मैं अच्छे से भून सकूं। नहीं तो अगर मैं इस तरीके से ड्राई में भूनूंगी ना तो ये जल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसको अच्छे से भून लूंगी, तो मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और प्याज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्याज और मसाले जो है वो अच्छे से भून रहे हैं और थोड़ा सा भूनना होगा जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मेरी ये रेसिपी जो है वो पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक ज़रूर दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। वहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से लिखा होता है। यहाँ पर मैं फाइनली पानी ऐड कर रही हूँ, मतलब इस पानी को देने के बाद मुझे मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पानी है मैं फाइनली ऐड कर रही हूँ, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। करके अब मैं इसमें फिश को जो है, जैसे पानी से थोड़ा सा उबल जाए, तुरंत मत फिश डालिएगा,
पानी जैसे थोड़ा सा उबलने लगे उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फिश ऐड कर रही हूँ करके। अब मैं इसे ढक दूंगी, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी, क्योंकि फिश जो है वो पहले ही फ्राई किया हुआ है तो वो तो कुक है ही। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए फिश को मैं यहाँ पर 3 मिनट के लिए इसे ढक के पकाऊंगी। 3 मिनट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद, यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ करके। अब मैं फिश को दूसरी तरफ पलटाऊंगी और अच्छे से, जिससे कि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से ये फिश जो है वो सॉफ्ट हो सके। दूसरी तरफ से फिर मैं इसको दोबारा ढकूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ढकने के बाद ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। आज की ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊंगी। नमस्ते।